नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं स्पाइडी बातें। स्पाइडी बातें यानी बातचीत का ऐसा सिलसिला उन लोगों के साथ जो कि हमारे समाज में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरोकारों से जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत में हम जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में और इस जानने सीखने के सिलसिले से शुरू होती है बहुत सारी दिलचस्प बातें। तो जानते हैं आज हमारी बातचीत में खास मेहमान है जानी मानी लेखिका गीताश्री। इससे पहले कि हम सीधा गीताश्री जी से जुड़कर उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें, सीखें, समझें, उससे पहले मैं आपको गीताश्री जी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगी। हिंदी लेखन और पत्रकारिता में गीताश्री एक बेहद जाना पहचाना नाम है। बतौर जर्नलिस्ट, जहां एक तरफ वे लंबे समय तक आउटलुक, बिंदिया जैसी मैगजीन के संपादन मंडल से जुड़ी रही हैं, अपने रियलिस्टिक वर्क के लिए रामनाथ गोयंका मातृश्री अवार्ड, राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान, ग्रासरूट बेस्ट फीचर अवार्ड, UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप और ऐसे ही बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार अर्जित कर चुकी हैं। वहीं लेखन में उनकी लिट्टी चोखा, लेडीज सर्कल, मत्स्य गंधा जैसी किताबें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। साथ ही अनेक पुरस्कार सम्मान उनके लेखन से भी जुड़े हुए हैं। जिंदगी की हर चुनौती का सामना जिंदा दिल मुस्कान से करने वाली गीताश्री जी ही हैं आज हमारी सिटी स्पाइडी की खास मेहमान। तो आइए सीधे जुड़ते हैं अब गीताश्री जी से। तो गीताश्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्पाइडी बातें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू दामिनी, आपके इस मंच को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस बातचीत के लिए आज आपने इनवाइट किया। अब आगे हमारा सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपके अनुभवों का जो व्यापक फलक है वो हमें देखने, जानने, समझने का मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगी मैम कि आप एक एक्टिव जर्नलिस्ट भी रही हैं, आप एक बहुत एक्टिव राइटर भी हैं, ये दो फील्ड आपके लिए आपस में कितना जुड़े हुए हैं और कितना अलग है? मैं जर्नलिज्म में बहुत एक्टिव थी आपके अनुसार, तो उसने मुझे इतने अनुभव दिए, इतने फील्ड का एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैंने इतनी दुनिया देखी, इतने लोगों से मिली कि एक जो एक बंद दुनिया होती है टेबल राइटिंग वाली और कल्पना का सहारा लेके, तो मेरे लिए कल्पना तो एक मसाले की तरह है और कथा को बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी पूरी दुनिया एक रियल दुनिया थी, वास्तविक दुनिया, एक यथार्थ का संसार मेरे सामने खुला था जर्नलिज्म में। आप पत्रकार हैं, आपको जानती होंगी कि हम लोग का लोगों से कितना मिलना जुलना होता है और कितनी तरह की घटनाएं, कितनी तरह की बातें, तो कसकता था मन कहीं ना कहीं कि इसको हमने पत्रकारिता में स्टोरी लिख ली, खबर लिख ली, फीचर लिख लिया, लेख लिख लिया, लेकिन एक लगता था कि एक सेंटीमेंट कहीं अंदर से कुहक बची हुई है कि जो कहना चाहती थी, जहां जो मैं रिएक्ट करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि जब मैं राइटिंग में आई तो उस संवेदना का, उस तकलीफ का, उस अनुभव का पूरा फायदा मुझे लिटरेचर में मिला। लेकिन लिटरेचर में आने के बाद से अब पत्रकारिता के लिए बिल्कुल नकारे निकम्मे हो जाते हैं, पत्रकारिता आपको सीरियसली नहीं लेती उस तरह से, और आप दोबारा वापसी करना चाहे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों दो दुनिया है। कुछ लोग ये कर देते हैं, घालमेल कर देते हैं क्योंकि साहित्यिक पत्रकारिता को मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से जोड़ देते हैं, जो बहुत गलत है। बिल्कुल अलग अलग दुनिया है लिटरेचर की, बिल्कुल अलग दुनिया है पत्रकारिता की, बिल्कुल अलग सोच है, अलग धरातल है, अलग संवेदना है, अलग सोच है, और मीडिया अपेक्षाकृत बहुत ही उदार और खुली हुई दुनिया है, और लिटरेचर का वर्ल्ड जो है बहुत संकुचित, हिंदी पट्टी बहुत अभी सीमित सोच के दायरे में घूम रही है। क्या बात है, आपने मतलब इन दोनों कड़ियों को इतनी खूबसूरती से आपस में जोड़ा है कि जो वाकई मतलब काबिल-ए-दाद है। वैसे आपके अनुभव के संसार में दाखिल होने के लिए चलिए मैं अपने इसी सवाल पर आती हूँ कि तुलना तो मैम किसी भी चीज की नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि एक स्त्री के अनुभवों का फलक एक पुरुष के अनुभवों के फलक के मुकाबले ज्यादा व्यापक होता है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? एक लेखक होता है वो कायांतरण करता है, वो लेखक स्त्री, अगर स्त्री लेखक है तो पुरुष की काया में प्रवेश करती है, अगर पुरुष है तो स्त्री की काया में स्त्री बनकर प्रवेश करती है। मैं कुछ लोगों के लेखन को इसलिए संदिग्ध भी मानती हूँ क्योंकि प्रवेश तो करते हैं लेकिन उस तरह से दुख महसूस नहीं कर पाते जिस तरह से स्त्री दूसरी स्त्री का दुख महसूस कर लेती है।
कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोगों का मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि कुछ लोग को पढ़ के ऐसा लगता है कि जरूर उस पुरुष के भीतर कोई स्त्री रहती होगी, कोई स्त्री बसती होगी, उसकी छाती में कोई स्त्री कलपती होगी, तभी किसी स्त्री को इतना इतना सटीक ढंग से, इतना बेहतर ढंग से स्त्री की पीड़ा को शब्द दिए। लेकिन ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मैं बोलती हूँ उस पर बहुत सारे, बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के दुख को, बहुत संदेश जो पुरुष लेखक है वो जब स्त्रियों की सेकंड हैंड पीड़ा लिखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब फर्स्ट हैंड पीड़ा स्त्रियां खुद लिख रही हैं, तो मैं आपके लिखे को विश्वसनीय क्यों मानूं? हम स्त्रियां ही विक्टिम है, स्त्रियां ही लेखक है, तो फर्स्ट हैंड पीड़ा मेरे लिए ज्यादा प्रमाणिक, मैं उसे ज्यादा विश्वसनीय मानती हूँ। बहुत खूबसूरत बात कही है मैम आपने, वाकई बहुत खूबसूरत बात कही है, और इसको एक स्त्री होकर ही समझा जा सकता है। मैं अपने अगले सवाल की तरफ आती हूँ मैम, आपने लिखने पढ़ने की दुनिया में आगाज कैसे किया? क्योंकि एक तरह का सेटिस्फेक्शन तो पत्रकारिता में भी मिलता ही है, लेकिन आपने साहित्यिक लेखन को चुना और साहित्यिक लेखन में अपनी जगह भी बनाई, तो मैम इसका आगाज कब और कैसे हुआ? ऐसा है, मेरे परिवार में माहौल है, बहुत लिटरेरी माहौल था। मेरे चाचा, मेरे हम सब भाई बहन चिट्ठियां बड़ी प्यारी लिखा करते थे, हम सबकी भाषा बहुत अच्छी थी, हम सब इमोशनल थे, और इमोशंस भाषा को खुद ही नियंत्रित कर लेती है। कई बार अगर आपके इमोशन में आवेग हो तो जैसे पानी है ना, रास्ता अपने आप बना लेता है, बहुत आवेग होना चाहिए। तो जब आपकी आपके जब झोंका आता है इमोशंस का, तो वो भाषा को अपने हिसाब से बरत लेती है। एक संगति हुई शहर में, बहुत संगति हुई साहित्यकारों की, जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों की संगति में रही, तो उन लोग के साथ रहते रहते फिर साहित्य में रुचि जगी और लिखने लगी। बीच के जो 20-22 साल थे वो आप समझो बर्बाद साल थे, उसमें मैं कुछ नहीं किया सिवाय पत्रकारिता की। आपने बहुत दिलचस्प है ये बात अपने आप में, लेकिन मैम यहाँ पर भी अगर मैं मजाक की ही बात करूँ तो कहा जाता है कि लेखन सबसे अच्छा शौक है लेकिन सबसे खराब करियर है, और एक लेखिका होने के नाते, एक महिला होने के नाते, और एक एस्टैब्लिश वुमन राइटर होने के नाते आपने इस क्षेत्र में कितना संघर्ष देखा, कितना संघर्ष किया? दामिनी, मैं जब आई तो मैं तो पत्रकार थी और साहित्य का पेज देखती थी, साहित्य विशेषांक निकालती थी, साहित्यकारों से परिचय था मेरा, मैं उनकी बैठकी में जाने आने लगी, दोस्तियां भी हो गई, कुछ मित्र भी बने, कुछ हंस स्कूल की पाठशाला में मैं अनजाने ही दाखिल भी हो गई। लेकिन मेरा स्ट्रगल इस तरह से ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया कि कोई राजेंद्र यादव जी की संगति में मैं आई ही थी, और बहुत जल्दी मैं उनकी संगति में लंबा रही, लेकिन कहानी लिखना देर से शुरू किया, तो जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक होता है कि आपके सर पे साया, या कोई गॉड फादर हो आपका, या कोई गुरु हो जो सिखाए आपको, मदद करे आगे बढ़ने में, बताए यहाँ छपो, वहां भेजो, ये लिखो, वो लिखो, वो मेरे साथ नहीं रहा। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, जैसे कोई बच्चा जिसकी उंगली पकड़ के कोई चलाने वाला नहीं होता है, साहित्य की दुनिया में मेरी हालत ऐसी ही थी। तो बहुत गलतियां भी हुई, बहुत गलतियां की, बहुत खराब लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मतलब कोई गाइड करने वाला जरूर होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे बड़े बड़े संपादकों ने साहित्यकारों की बड़ी फौज खड़ी की, युवाओं की बड़ी फौज खड़ी की, उन सबको माजा, उन पे मेहनत की, जरूर करना चाहिए। वो सब आज बड़े चमकते सितारे हैं, मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, और सबके सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उस तरह की संगति में मैं नहीं रही, उस तरह की टोली मुझे नहीं मिली, उस तरह का मठ मुझे नहीं मिला, उस तरह का गुरु, उस तरह के लोग नहीं मिले। एस्टैब्लिश हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं मालूम है। अगर आज आप मुझसे बातचीत कर रही हैं, इसका मतलब आपने मुझे ये सम्मान दिया और ये माना कि मैं साहित्य में स्थापित हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं हर अपनी एक कहानी, हर एक रचना में मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ सीखा, शायद मैंने थोड़ा बेहतर किया। हर समय एक बेचैनी रहती है कुछ अच्छा करने की। पत्रकारिता तो देखो एक फ्रेम है, फ्रेमवर्क है, उसका ढांचा फिक्स है, आपको उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है वहां पर आपके पास, तो वहां पे वहां की चुनौतियां अलग है। लिटरेचर में अधिक अधिक क्रिएटिव होने का और विजन का मामला है, कि एक एक ये अलग ही तरह का लिटरेचर एक गंभीर कर्म है, एक जहां पर आप आने वाली, आप जो लिख रहे हैं उसमें आपका एक पक्ष दिखाई देता है कि आप
कहा पत्रकारिता में आपको तटस्थ रहने की ट्रेनिंग दी जाती है कि जहां आप चाह कर भी बिलबिला नहीं सकते, चाह कर भी आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपको एक एक तरह से दर्ज करना होता है वहां पे घटना और चीजें। लेकिन साहित्य में आप पक्ष चुन सकते हैं, साहित्य में आप खड़े हो सकते हैं, साहित्य में आप अपने लेखन को उस अंतिम व्यक्ति तक ले जा सकते हैं जो हाशिए पे खड़ा है, जो वंचित समुदाय है वहां तक ले जा सकते हैं। आपकी संवेदना का धरातल बिल्कुल अलग हो सकता है जिसे आप खुद चुनेंगे, खुद बनाएंगे। तो मेरे लिए कठिन बहुत रहा क्योंकि मैं एकदम एक अलग मिजाज की पत्रकारिता करती थी और यहाँ एकदम से सीरियस काम में मैं आ गई। तो मैं बदली, मुझे साहित्य ने बदला। मैं विनम्र नहीं थी, मैं अक्खड़ थी, मुझे साहित्य ने विनम्र बनाया। हालांकि मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा विनम्रता हो गई कि कोई भी मेरी पीठ को रास्ता बना लेता है। तो अब मैंने अपने आप को थोड़ा ठीक कर लिया है दामिनी। मैं अपने मतलब इस साहित्यिक प्रश्न पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मुझे याद पड़ता है कि आप मतलब अभी आपने बातों में कहा कि आपके लिए जर्नलिज्म एक तरह का ऐसा तटस्थ भाव रहा था जिसमें कई बार रोज नाम से लिखने जैसी प्रक्रिया हो जाती थी काम करने की। लेकिन आपने रामनाथ गोयनका अवार्ड तक जीता है और ये अपने आप में इस बात का बहुत का सबूत है कि आपका जो जर्नलिज्म रहा वो सिर्फ रोजनामचा लिखने जैसा बिल्कुल नहीं रहा, बहुत रियलिस्टिक रहा। और इस फील्ड में महिलाएं, वो भी हिंदी पत्रकारिता में महिलाएं इस शिखर तक बहुत कम पहुंच पाती हैं। तो मैं चाहूंगी मैम कि आप अपनी पत्रकारिता अनुभव से कोई बात हमारे साथ जरूर शेयर करें। दामिनी, ऐसा रहा कि जर्नलिज्म में मेरे साथ एक सौभाग्य ये रहा जो उस समय दुर्भाग्य लगता था लेकिन बाद में मुझे लगा कि सौभाग्य ही रहा कि मेरा ट्रैक हर जब नौकरी बदलती है पत्रकारिता में तो आपका एरिया भी बदल जाता है। आप अगर किसी अखबार में कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं तो अगले में आपको कहा जाएगा बीजेपी करो, उसके बाद कहा जाएगा बीएसपी करो। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मैं उसमें भी थी तो उसमें भी तरह तरह की पार्टीज कवर की। जब मैगजीन में आई तो वहां पे मुझे लगा कि शायद पॉलिटिकल यहाँ भी मिलेगा और मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार थी तो मुझे बड़ा मजा आता था राजनीतिक पत्रकारिता में। लेकिन जब मैगजीन में आई तो वहां पे कम लोग थे तो हमें दोनों काम डेस्क भी करना पड़ता था और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे लगा कि धीरे धीरे ऊब सी होने लगती, मैं बहुत जल्दी ऊबती हूँ, किसी काम को बहुत बार रिपीट करूंगी तो मैं ऊबने लगती हूँ। तो मैं मुझे कई बार लगता है कि अगर सांस लेते लेते कभी ऊब गई तो मैं सांस लेना छोड़ दूंगी। मुझे ऐसा कई बार मुझे अंदर से फील होता है कि मैं इतना ऊबती क्यों हूँ चीजों से, बार बार ऊब जाती हूँ इससे निरंतर चलती हुई चीजें इस तरह से डरा उबा देती है। तो मेरे भीतर में एक उबन सी होने लगी कि यार वही नेताओं के बयान, वही नेताओं के साथ घूमना टूर, ये तो मेरे भीतर ना अचानक मुझे लग रहा है कि वो जो बीज था क्रिएटिविटी का वो अंकुरने लगा था। साहित्य का पेज भी देख रही थी तो मुझे लगा सब इतना लिख रहे हैं, यहाँ लिखने की आजादी ज्यादा है लिटरेचर में, मुझे भी जाना चाहिए। इसी बीच पत्रकारिता में मुझे एक चीज लगा कि मैं कुछ दोस्तों के संपर्क में आई, अनु आनंद, उषा राय वगैरह के संपर्क में आई, तो वो लोग सब सोशल इश्यूज पर उनका पत्रकारिता थी तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैंने सोशल इश्यूज उठाए और उनपे काम किया, उसमें मुझे ग्रास रूट फीचर बेस्ट फीचर अवार्ड मिला था गुजराल जी के हाथों। और मैं सोशल इश्यूज जब करने लगी, पहले मैंने वीमेन इश्यूज लिया, वीमेन इश्यूज के थ्रू मैं सोशल इश्यूज भी उठाने लगी, फिर मैं फील्ड में जाने लगी और मैंने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे काम किया है। 6 तो फेलोशिप मिले हैं मुझे, वो अलग अलग, आप सोचिए 6 फेलोशिप मिले हैं तो वो सब ट्राइब्स पे, हाशिए पे जो स्त्रियां हैं, ग्रामीण स्त्रियां हैं, जो आइलैंड पे स्त्रियां हैं, मतलब डिफरेंट टॉपिक। गोयनका अवार्ड तक पहुंचने की यात्रा बहुत कठिन रही, हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि मैं तो काम कर रही थी, सोशल इश्यूज अच्छा लगने लगा था मुझे और मुझे लगा कि शायद मैं मेरे भीतर तब तक ये भावना पनप गई थी, मजाक इसको मैं गंभीरता से कह रही हूँ, कि मुझे अपने होने का अर्थ ढूंढने लगी थी कि मैं लिख क्या रही हूँ, सब लिख क्या मतलब है, आज लिखा कल हाथ पोंछ के फेंक दिया अखबार को, तो मैं ऐसा कुछ स्थायी महत्व का काम क्यों नहीं कर रही हूँ। तो जो सोशल इशू करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब मेरी खूब यात्राएं हुई। उन्हीं यात्राओं के दौरान मैंने ट्राइबल गर्ल्स पे काम किया, उनकी ट्रैफिकिंग का इशू उस समय बहुत 2008-09 की बात है, बहुत ज्यादा चरम पे था ट्रैफिकिंग उनकी, तो मैंने ट्रैफिकिंग पे बहुत काम किया, लगातार 2-3 साल काम किया। तो बड़ी रुला देने वाली मार्मिक केस स्टडीज में उठाकर लाती थी और उनपे काम करती थी, तो बहुत चर्चा हुई, उसकी किताब भी आई। तो मुझे जर्नलिज्म में जो मजा आया सबसे अधिक, जो जो अच्छा लगा, मजा मतलब
जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिली काम करके, वो था सोशल इश्यूज पे काम करना, जो किसी भी अखबार पत्रिका के लिए बहुत ही साइड टाइप की स्टोरी होती है। जो मतलब जैसे मैं अगर कोई स्टोरी लिखूं तो 2 पेज 1 पेज, और वही पॉलिटिकल स्टोरी हो तो 6-6 पेज 8 पेज। सोशल इश्यूज के लिए आज भी अखबारों में मैं पत्रिकाओं के पास जगह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वो तड़प थी और जितनी ही मुझे जगह मिली उतनी ही जगह में मैंने काम किया और लिखा। और मुझे मुझे लगा कि जो एक दुनिया अनएक्सप्लोर्ड थी, एक वो दुनिया जो ओझल थी, एक वो दुनिया जो जिसकी सामाजिक परिस्थितियां, जिसकी आर्थिक स्थितियां बहुत दारुण है, जो जिसे पत्रकारिता द्वयम दर्जे की पत्रकारिता मानती है, जिसके लिए फ्रंट पेज पे जगह नहीं है, जो कभी कवर स्टोरी नहीं बन सकती, मैं उस वैसी दुनिया की खोज में आइलैंड से लेके और कहाँ कहाँ नहीं भटकी, और जंगलों में और सब जगह खाक छानी, और मैंने वो स्टोरीज लिखी है जानते हुए कि मुझे बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिलेगा पत्रिका में, अखबारों में, लेकिन मैंने काम किया। मैंने वहां भी एक टाइम के बाद अपनी मर्जी का काम किया। बातचीत चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, और खासतौर से जब मेहमान गीताश्री जैसा हो जिसके पास व्यापक अनुभवों का एक खजाना हो, तो जी चाहता है कि ये मुलाकात की बातचीत चलती जाए। तो चलते चलते मैम, आपके अनुभवों से मैं फायदा उठाने के लिए जरूर ये जानना चाहूंगी कि जो लोग लेखन को अभी शौकिया तौर पर लेते हैं और आगे चल के वो प्रोफेशनल राइटिंग में आना चाहते हैं, अपनी प्रकाशित किताबें देखना चाहते हैं, या फिर कई बार वो राइटर ब्लॉकेज फेस करते हैं, तो इन तमाम चीजों पर मैं चाहूंगी कि आप अपने अनुभवों के आधार पे हमारे सिटी स्पाई डी के दर्शकों को कुछ टिप्स जरूर दीजिए। भाइयों एवं बहनों, टिप्स क्या, मुझे तो किसी ने टिप्स नहीं दिए थे। मैं सच बताऊं तो अभी मैंने उनको खलील जिब्रान को पढ़ा, उसके बाद रसूल हमजातो को पढ़ा, मेरा दागिस्तान, उसमें बहुत टिप्स है। इस किताबों से बेहतर टिप्स को इंसान नहीं दे सकता। आप ना अपने क्लासिक पढ़िए, अपने 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 पुरखों को पढ़िए, पुरखिनों को पढ़िए, अगर स्त्री हैं तो पुरखिनों को जरूर पढ़िए कि उन्होंने कहाँ छोड़ा, जहां पर उनकी नायिकाएं ठिठक गई हैं, चौखट पर पांव निकालते निकालते रुक गई हैं, हमारी पीढ़ी का काम क्या है, बस उंगली पकड़ के उसको चौखट के बाहर ले आना। इसी तरह से पुरखों को पढ़िए, क्लासिक पढ़िए, क्लासिक्स आपको बताएंगे, सारे टिप्स वहीं छिपे हैं। जी, आपने बहुत उपयोगी टिप्स दिए हैं, और गीताश्री जी आपने स्पाइडी बातें के लिए इतना वक्त निकाला, हमें इतने अच्छे सुझाव दिए, अपने अनुभवों का खजाना हमारे सामने लुटा दिया, इन सब के लिए हम सिटी स्पाइडी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।